नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बी नेचुरल फार्म। नेचुरल फार्मिंग में जो इकोसिस्टम बनता है नेचर का, वो किस तरह से सस्टेनेबल है, और जो हमारा जो केमिकल बेस्ड फार्मिंग है, जो प्योर फर्टिलाइजर बेस्ड फार्मिंग है, उसमें वो किस तरह से सस्टेनेबल नहीं है। तो जो स्टार्टिंग में जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तो उस रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा प्रमोट किया गया कृत्रिम खाद को, जो कि यूरिया है, डीएपी है, और उससे खेती की उपज बढ़ाने का एक मॉडल दिखाया गया और बताया गया कि किसान के लिए बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। लेकिन वो पूरी तरह से अनसस्टेनेबल फार्मिंग का मॉडल है। और भारत में पहले जो सस्टेनेबल फार्मिंग थी, वो किस तरह से सस्टेनेबल थी, उसके कुछ एलिमेंट्स हमने नोटिस किए हैं अपने इस ड्यूरेशन में। यहाँ पे जैविक तरीके से ये खेती हो रही है, और इसमें जो एपिकल्चर जब हमने इंट्रोड्यूस किया, तो जो एपिकल्चर का इस नेचुरल खेती में किस तरह से वो रूटेड कनेक्शन है जो सस्टेनेबल बनाता है, वो एलिमेंट्स मैं दिखाता हूँ। चलिए, अभी जैसे इसमें यहाँ पे इस खेती में फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो आप ये मधुमक्खी देख पा रहे हो, ये फ्लावर पे, थोड़ा क्लोज लेके आएंगे, ये फ्लावर पे मधुमक्खी यहाँ पे आके अपना काम करना शुरू कर दिया है इसने। तो ये क्या करेगी, यहाँ से इस फ्लावर से मधुमक्खी ये पोलन इकट्ठा करती है, ये पोलन आप देख सकते हो, और इस फ्लावर पे नेक्टर भी निकलता है। तो जितने भी वेजिटेशंस का जब फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होने से पहले, तो उसमें एक टाइम फ्रेम ऐसा आता है जब नेक्टर एक सेक्रेट होता है प्लांट के अंदर से, और उस नेक्टर को देख करके ही इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो एक तरह से वो नेक्टर इंसेक्ट का गिफ्ट है पोलिनेशन का काम पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे इंसेक्ट्स इस नेक्टर को लेने के लिए आते हैं, तो साथ में उनकी बॉडी पे जितना पोलन लगता है, वो पोलन जब एक फूल से वो दूसरे फूल पे ट्रैवल करते हैं उस नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए, तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन हो पाता है। ये तो हो गया सीड के डीएनए को नेचुरल तरीके से उसे मॉडिफाई करने का या उसे बेटर करने का, जो नेचर का मेजर एलिमेंट है। किसी भी सीड को हाइब्रिडाइज कैसे किया जा सकता है नेचुरली, उसमें एपिकल्चर यानी मधुमक्खियों का रोल है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंसेक्ट्स में केवल एक मधुमक्खी नहीं है, बहुत सारे इंसेक्ट्स यहाँ पे, बटरफ्लाई, तितलियाँ आती हैं यहाँ पे, और अदर फ्लाइज आती हैं। तो इसमें एक बॉटलनेक किसान के लिए क्या बना, कि जब मधुमक्खियाँ ज़्यादा तादाद में यहाँ नहीं होती हैं, तो अदर फ्लाई भी, उनको भी मीठा पसंद है, जो नेक्टर होगा वो उसे, उससे अदर फ्लाई भी अट्रैक्टेड हो जाती हैं। तो जब वो दूसरी मक्खियाँ इस पे आती हैं, तो कुछ ऐसी मक्खियाँ हैं, जैसे एक सफ़ेद मक्खी है, जो जिसका जो रेजिड्यू है, जिसका वेस्ट है, वो कीड़ा निकलता है, उसका कीड़ा बन जाता है। तो वैसे तो वो फ्लाई जो भी ऐसी वेस्ट मटेरियल है, उसको डीकम्पोज करवाने के लिए वो एक उसका रोल है, कि वो किसी भी गंदगी को के ऊपर वो बैठेगी मक्खी, और फिर उसमें वो उसके बॉडी से कीड़े निकलेंगे, और वो कीड़े उस गंदगी को पूरी तरह से खा के डिसॉल्व करते हैं। तो ये तंत्र उस सफ़ेद मक्खी के रोल का है नेचर के अंदर। लेकिन अब वो क्योंकि मीठे से वो भी अट्रैक्ट होती है, तो जब ये इन फूलों पर आती है, तो ये सबसे शुद्धतम एक तरह से कार्य है, इसके डीएनए पे काम चल रहा है, पोलिनेशन का काम चल रहा है। वहाँ पे जब वो सफ़ेद मक्खी आती है, तब वो मक्खी यहाँ पे कीड़े फैला देती है, और जिसको जो, और वो कीड़े इन फूलों के जो सबसे सॉफ्ट पार्ट रहता है, उसको खाना शुरू कर देते हैं, उसके नेक्टर को खा जाते हैं, उसके पोलन को खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मधुमक्खी है, इसका और एक वाइट फ्लाई के डिफरेंस ये है कि मधुमक्खियों का वेस्ट है वो एक तरह का फर्टिलाइज़र है, और एक बहुत ही शुद्धतम फॉर्म उनकी बॉडी से निकलता है, तो वो अशुद्धि के लिए नहीं, वो शुद्धि के लिए जानी जाती है। और जो वाइट फ्लाई है, वो अशुद्धि के लिए काम करने के लिए बनी है। लेकिन क्योंकि नेचर में जो कंपटीशन का जो एक फैक्टर होता है, प्रतिस्पर्धा का जो एक फैक्टर है, वो फैक्टर यहाँ पे मधुमक्खियाँ अधिक तादाद में होने पर वो फैक्टर लागू होता है, और वो वाइट फ्लाई को एक तरह से कंपटीशन देती है, उनको भगाती है। इसलिए वाइट फ्लाई सीमित रहती है गंदगी तक, और ये शुद्ध कार्य के लिए हमारी मधुमक्खियाँ उसको बेहतर करती हैं, क्योंकि उनका डिज़ाइन पोलिनेशन के लिए ही बना है। अब क्योंकि वो मद भी इकट्ठा करती है, नेक्टर को भी इकट्ठा करती है, तो उससे हमें एक तरह से मधु भी मिलता है, तो वो एक एडिशनल उस एपिकल्चर का बाय प्रोडक्ट है। तो मैं आपको वो एलिमेंट्स बता रहा हूँ जो साइंटिफिकली हमने नोटिस किए हैं, कि एपिकल्चर अगर इंट्रोड्यूस किया जाए जैविक खेती के साथ में, नेचुरल फार्मिंग के साथ, तो उसका बेनिफिट क्या क्या होगा वो हम बता रहे हैं। तो पहला ये कि यहाँ पे हमें कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है उन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उन कीड़ों के पनपने के पीछे जो वाइट फ्लाई है, उसको कॉम्पिटिशन देना ज़रूरी है, जो हमारी मधुमक्खियाँ देती हैं।